स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। सरकारी निजी स्कूल्स कॉलेजेस जामियात बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी, सब्जी मंडियां, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, किरियाना स्टोर्स खुले रहेंगे। मार्केटों, निजी दफातर को 3 बजे के बाद काम करने की इजाज़त। निजी और सरकारी ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलेगी। अमरीकी डॉलर की कदर में कमी, ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 91 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 286.49 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये में फरोख्त। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार लाइसेंस न रखने पर होगा गिरफ्तार। हाईकोर्ट के जस्टिस अली जिया बाजवा ने बड़ा फैसला सुना दिया। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कम उम्र गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर ना आए। हर चौक और हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। डेंगू मच्छर के डंक मजीद तेज। 24 घंटे के दौरान लाहौर में डेंगू के 106 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 220 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। गुजरांवाला 40, मुल्तान 24, रावलपिंडी 16, फैसलाबाद 11, शेखपुरा 8, साहिवाल से 3 केसेस रिपोर्ट। नरवाल, सरगोधा, सियालकोट, गुजरात, लोधना और लया में डेंगू का 1-1 मरीज सामने आया। बच्चों का मनपसंद नाश्ता भी महंगा हो गया। डबल रोटी, जैम और मक्खन की कीमतों में इजाफा। छोटी ब्रेड 120 और बड़ी डबल रोटी 240 रुपये की हो गई। 190 ग्राम जैम की बोतल 160 रुपये तक पहुंच गई। मक्खन की 90 रुपये ग्राम की टिकिया 145 रुपये की हो गई। महंगाई ने सफेद पोश तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि WHO की तहकीकात में इन सिरप्स पर अल्कोहल की ज्यादा मकदार की तस्दीक हुई। तमाम मेडिकल स्टोरों ने इन सिरप का स्टॉक फौरी उठाया है। डरप के सिफारिश पर हुकूमत पंजाब ने 5 सिरप्स की फरोख्त रोकी है। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेयो अस्पताल में फ्री टेस्ट की सहूलत का तरीकाकार तब्दील। AMS को 30% रियायत का इख्तियार तफवीज कर दिया गया। एम में 100% तक रियायत करने के मजाज होंगे। करप्शन का रास्ता रोकने के लिए 100% रियायत का इख्तियार सिर्फ MS के पास है।